पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भानु प्रताप महाजन के होते हुए ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। स्लिप अप हो सकता है, कई बार सब कॉन्शियसली इंसान के मुंह से वो बातें निकलती हैं जो उसके अंतर मन में कहीं दबी हो, लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है कि किसी का हिस्सा नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिस्सा था और अब नहीं है? अभी तो थोड़ी देर पहले मम्मी को इंजेक्शन दिया था नर्स ने, वो वापस इंजेक्शन क्यों दे रही है? मैं आपको सच बता पाती कि आपकी बेटी युविका जिंदा है और आपके बिल्कुल पास ही है। रोज रोज आपकी ये हालत नहीं देखी जाती मुझसे मम्मी। इतनी दवाइयों और इंजेक्शन के बाद भी आपकी हालत बिगड़ती क्यों जा रही है? कहीं ये मेडिसिन से इसकी वजह तो नहीं है? मुझे चेक करना होगा। दवाइयों में माँ को जो इंजेक्शन देते हैं उसकी बॉटल क्यों नहीं है? इंजेक्शन की बोतल की फोटो मुल्तानी अंकल को भेज दी है। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि माँ को जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए सही भी है या नहीं। आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आपकी महाजन हाउस में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मुल्तानी, आज रात आप महाजन हाउस छोड़कर नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर हमारी मेहमान नवाजी की बातें चल रही हैं और अब कोई इन्फ्लुएंसर घर आकर हम दोनों का इंटरव्यू लेना चाहता है।
वेलकम टू बिजनेस टेल्स। मैं हूं आपका दोस्त समीर और मैं हाजिर हूं वापस से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट लेकर। आपने इंडिया के महाजंस और यूएस के मुल्तानीज के मर्जर के बारे में तो पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, और यूएस की मुल्तानीज ग्रुप की जो युक्ति मुल्तानी है उनको डीजे महाजन जी ने अपना मेहमान बना के रखा है, और उनकी जो मेहमान नवाजी है ना वो काफ़ी ट्रेंडिंग पर है। तो इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना अगली पॉडकास्ट हम उन्हीं के साथ मिलकर बनाएं। सो आर यू गाइस रेडी? बट वेट वेट वेट, हमारे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और वो सरप्राइज है हमारे रिस्पेक्टेड महाजन परिवार के भानु प्रताप महाजन, जिन्हें हम एक साल से मरा हुआ समझ रहे थे, वो अपने घर वापस आ चुके हैं, वो भी जिंदा। सो लेट्स चेक आउट इन दिस पॉडकास्ट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस टेल्स के अंदर। थैंक यू, नमस्कार। मैं शुरुआत करना चाहूंगा मिस युक्ति जी आपसे। युक्ति जी, मैंने सुना है कि आप इंडिया आई थी महाजन से एक बिजनेस डील करने के लिए, बट आप जब यहाँ आई तो आप महाजन की ही होकर रह गई। करेक्ट, यही तो महाजन का जादू है। उनकी मेहमान नवाजी में इतना अपनापन है कि आप उनके परिवार के बनके रह जाते हैं। And I'm sure, डीजे का दिल कितना बड़ा है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। डीजे की स्टाइल, डीजे का फ्लैम्बॉयंस, डीजे की लार्जर देन लाइफ लाइफस्टाइल, आई एम श्योर इससे तो आप सब लोग वाकिफ हैं। और डीजे की ये लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड जो है वही उसकी मेहमान नवाजी में भी रिफ्लेक्ट होती है। और जैसा कि आपने कहा कि मिस्टर भानु प्रताप महाजन एक सरप्राइज की तरह आए, लेट मी करेक्ट यू, ये एक सरप्राइज नहीं है बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। यू नो, इनफैक्ट मिस्टर भानु प्रताप महाजन उस पिलर ऑफ सपोर्ट की तरह हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। क्या अगर एक छोटी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मिस्टर भानु प्रताप महाजन उस बड़े से टेडी बियर की तरह हैं जो हर एक एस्पिरेशनल लड़की अपने लाइफ में चाहती है। लव यू दादा बाबू। आई एम श्योर मैं सोशल मीडिया के सामने दादा बाबू को एक बार दादा बाबू तो कह सकती हूँ, राइट दादा बाबू? मैं सोशल मीडिया के सामने मिस मुल्तानी के विषय में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये अपनी मोहनी सूरत के साथ साथ लोगों को मोह लेने का, उन्हें अपने वश में कर लेने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ये अपनी मोहकता का बखूबी इस्तेमाल करती हैं, बिजनेस में भी और निजी जिंदगी में भी। मिस्टर महाजन, एक सेल्फी? हाँ जी, हाँ ले लीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर महाजन, ये वो यादगार पल है जिसे मैंने हमेशा के लिए अपने फोन में कैद कर लिया है। वैसे आपकी एक बात बहुत ही काबिले तारीफ है। वो क्या? अब धारा प्रवाह झूठ बोलने में माहिर हैं। मिस्टर महाजन, कई बार जो आपको झूठ लगे वो सामने वाले का सच ही होता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर महाजन, हैव अ गुड डे। ये युक्ति बहुत स्मार्ट है, सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। अभी यार रुकने का और कोई बहाना भी नहीं है, तो क्या करेंगे? लेट द यूनिवर्स डिसाइड रोज,
अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो यूनिवर्स ने ही किया है, तो शायद वही कोई रीजन दे दे हमें यहाँ रुकने का। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।